हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल अर्चनास विलेज किचन में। कैसे बांधे आप सब, उम्मीद बाप बढ़िया ही होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में टी टाइम स्नैक्स की रेसिपी शेयर करते हैं और इसे कैसे बनाते हैं आप जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ बने रहना दोस्तों। तो यहाँ पे हमने एक बर्तन में यहाँ पे चावल का आटा लिया है, जिसे छान कर लिया है, और ये है बेसन। जिस मात्रा में हमने चावल का आटा लिया है, उसी मात्रा में हम चना बेसन भी इसमें डाल देंगे। और फिर उसके बाद इसमें हम डालते हैं 1 चम्मच जीरा और आधा चम्मच के लगभग इसमें गरम मसाला डाल देंगे। फिर उसके बाद इसमें डालते हैं हल्दी पाउडर और उसके बाद इसमें 1 चम्मच के लगभग आमचूर पाउडर डाल देंगे और 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च डाल देंगे। आप चाहें तो हरी मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं। और यहाँ पे हम टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। नमक थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा सेंधा नमक भी डाल देंगे। और इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे चम्मच से। और जब ये अच्छी तरीके से मिल जाए तो उसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे और इसका हम बैटर तैयार करेंगे। और बैटर ऐसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, ना तो बहुत ज़्यादा इसे सूखा रखना है। और इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे। बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार होने वाली बहुत ही आसान सी सिंपल सी रेसिपी है दोस्तों, और झटपट से बन जाती है और बहुत स्वादिष्ट लगती है खाने में। और यहाँ पे देख सकते हैं ये बैटर जो हमारा तैयार हो गया है। बैटर इस तरीके का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला ना हो, इस तरीके का बैटर हमने बना के तैयार कर लिया। तो अब हम इसे दिखा देते हैं आपको। और अब चलिए इसे हम रख देते हैं। और यहाँ पे हमने कट करके पहले से ही तैयार कर लिया था, ये है शिमला मिर्च। और शिमला मिर्च को इस तरीके से हमने काट के तैयार किया है और इसके बीच वाला जो सफ़ेद वाला भाग होता है उसे काट के निकाल लिया है, बीज वगैरह, और अच्छे से धो के भी साफ इसे करके तैयार कर लिया है। और ये शिमला मिर्च के पकौड़े बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बन के तैयार होते हैं और बहुत ही आसान है दोस्तों, सिंपल तरीका है इसे बनाने का। और कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे और इसे गर्म होने देंगे। फिर उसके बाद इसमें हम जो शिमला मिर्च है इसे हम डाल देंगे और चम्मच की सहायता से इसे इसमें डाल के डिप कर लेंगे अच्छी तरीके से। और फिर उसके बाद जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें हम इस तरीके से डाल देंगे। इस तरीके से सारे मिर्च को हम इस तरीके से डाल देंगे। आपने अगर ये मिर्च के पकौड़े ना बनाए हो तो ज़रूर बना के ट्राई करना दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं और चाय के साथ तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। और यहाँ पे सारे पकौड़े को हम इस तरीके से डालने के बाद और इसे हम कुरकुरा होने तक इसे फ्राई करेंगे। चावल का आटा है दोस्तों तो कुरकुरा तो बनेगा ही, और बेसन भी हमने डाला हुआ है तो स्वादिष्ट भी बनेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत टेस्टी सा स्नैक्स हमारा मिर्ची के पकौड़े बन के तैयार है दोस्तों। और इसे हम बर्तन में निकाल लेंगे। देख के ही आपको लग रहा होगा कितना क्रिस्पी और कुरकुरा बना हुआ है। और इसी तरीके से हम बाकी बचे हुए जो है वो भी हम इसमें डाल के बना लेंगे। और यहाँ पे मैं बाद में हाथ से ही डाल दे रही हूँ, आप चाहे तो हाथ से भी डाल के बना सकते हैं। सुबह की चाय हो या शाम की चाय हो, गर्मा गर्म स्नैक्स हमारा बन के तैयार है दोस्तों। इसे टमाटर की चटनी के साथ हमने सर्व किया है। आप इसे टमाटो केचप या हरी धनिया की चटनी, किसी भी प्रकार की चटनी के साथ बना के खा सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में अलग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।